Good morning, friends. Welcome to Konilingua English for Learners. Friend, in this video, we shall discuss how to change some typical sentences into passive voice. So, friend, we shall try to understand it.

इनफिनिटिव विदाउट टू इनफिनेटिव विदाउट टू ठीक है ये ऐसे स्ट्रक्चर वाले हों फॉर एग्जाम्पल ही सोमी सिंगा सॉन्ग हि सोमी सिंग या बिनेर व्हीप देखिए ही सोमी सिंगा सॉन्ग ये सेंटेंस ले लीजिए इसमें क्या है क्या देखिए ही सब्जेक्ट है सो वर्ब है मी ऑब्जेक्ट है सिंग

ये वाव है इन्फिनेटिव विदाउट टू ठीक है इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे ठीक है इसमें क्या करते हैं फ्रेंड इन्फिनेटिव विद टू कर देते हैं इसे ठीक है तो पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को उठाएंगे ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम ये हो जाएगा इसका क्या होगा ही मी सिंग अ सॉन्ग आई वॉज सींग टू सिंग अ सॉन्ग हिम तो ये टू लगाकर बनाते हैं फ्रेंड इसको समझने की कोशिश करो ठीक है टू क्यों लगाया इसमें देखिए टू लगाने पर ये इन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ठीक है क्या बन गया ये उब्जक्ट, उब्जक्ट का, का काम भी करता है ठीक है सब्जेक्ट का, का काम भी करता है ऑब्जेक्ट का, का, का काम भी करता है कभी वर्ब का, का, का काम भी करता है इन्फिनेटिव ठीक है तो यहां पर ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन गया इसलिए यहां टू लगा दिया तो आई वो सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम ऐसे ही इसका क्या बनेगा शी शी मेड मेड टू 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 बी वीप बाय बेने ठीक है ये बन गया टू लगा देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसको दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऐसे ही कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वाले हो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट आ जाए ठीक है कौन सा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा स्ट्रक्चर उसका हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा जैसे दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी अब देखिए दे सब्जेक्ट हो गया इलेक्टेड वर्ब हो गई हिम ऑब्जेक्ट हो गया और सेक्रेटरी इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये अपनी जगह लगा रहता है ठीक है तो इसको हिम हिम से बनाएंगे ही वाज इलेक्टेड वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाई दे, या दे को हटा दे हैं? कोई दिक्कत नहीं है तो ही वॉज मेड सेक्रेटरी ऐसे ही देखे uh, तो बन गया अब देखिए आप कहेंगे इसमें तो हमने टू नहीं लगाया इसमें टू नहीं लगाएंगे ये नाउन है सेक्रेटरी और आपका ये जर्नल uh, ये दोनों ही नाउन है ठीक है तो इससे पहले टू नहीं लगाएंगे वो इनिफिनेटिव है वाव है सिंग भी वाव है और उसमें वीप भी वाव है इसलिए उससे पहले हम क्या लगाएंगे विद टू कर देंगे ठीक है ऐसे ही फ्रेंड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस हो सब कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो ठीक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या करते हैं कि जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम पैसि में सब्जेक्ट बनाते हैं अकॉर्डिंगली क्लॉज होता है if या वाला clause हो, या एच, question word वाला वाला हो हो, का, तो हम क्या करते हैं उसको एज इट इज रहने देते हैं जैसे ऐसा स्ट्रक्चर हो कि आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो इसको इजिली हम क्या बनाएंगे ठीक है आई वॉज आस्ट वॉट माई नेम वॉज इसमें बाय के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं ठीक है बाय हम नहीं करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा आई वॉज आस्ट वॉट माई नेम वॉज फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जैस ही आस्ट मी इफ आई कुड किल अ तो इसका हो जाएगा आई वॉज आस्ट इफ आई कुड किल अ बस बाय हर नहीं आएगा इसमें फ्रेंड ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड एक सेंटेंस मैं आपको देना हूं बनाने के लिए आप बनाइए ऐसे कमेंट में जाकर मुझे बताइए ही फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी इसको बनाकर आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनेगा ठीक है तो फ्रेंड दिस इज एन एजुकेशनल डेलीवरेशन इफ यू थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज Or understanding the rules of grammar, the structure of sentences into the English language. So, subscribe this channel and share these videos with your friends and colleagues. And don't forget to press the like button. Okay. So, friend, keep watching. Uh, have a nice day. Thank you very much.